हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज का जो स्टॉक है, जो कंपनी है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो आइए पहले देख लेते हैं कि आदित्य बिरला करती क्या है। आदित्य बिरला एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, NBFC से भी जुड़ी हुई है और एक अम्ब्रेला है आप कह सकते हैं कि जिसके नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आदित्य बिरला की सब्सिडरी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मल्टीप्लाई वेलनेस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, PMS, पेंशन फंड्स, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, होम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, SME स्मॉल इंडस्ट्रीज फाइनेंस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, रियल इस्टेट फाइनेंस। तो ये है कंपनी जो ये काम करती है। आदित्य बिरला कैपिटल ब्रिंग्स ऑल इट्स फाइनेंशियल सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ फॉर अ स्मार्टर मनी मैनेजिंग एक्सपीरियंस। बी इट इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और लोन्स, ऑल ऑफ योर फाइनेंशियल नीड्स आर कवर्ड अंडर अवर फोर पिलर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड एडवाइसिंग। ये है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। 52 वीक लो है 77 रुपये का और हाई था 166 का, और जो वर्तमान प्राइस है 101 रुपये है इसका। पी रेशियो है 27.13 का, EPS है 3.75 का, प्राइस टू बुक है 2.49 एंड डिलीवरेबल है 56, डिलीवरी अच्छी है। और पीयर कंपनीज देखिए, आदित्य बिरला कैप हैं, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस सर्विस, बजाज होल्डिंग्स। और अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ी सी देखते हैं रिटर्न वाइज, तो जहाँ एक साल में आदित्य बिरला कैपिटल ने 36% का नेगेटिव रिटर्न दिया, वहीं पे HDFC वन ईयर रिटर्न है 5% के आसपास, बजाज फाइनेंस है 63% का रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न है और बजाज फाइनेंस सर्विसेज का है 40% के आसपास एक साल का रिटर्न, और बजाज होल्डिंग्स भी 18% करीब, जो पीयर कंपनीज हैं उनके रिटर्न्स हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम समझिए कि लमसम अमाउंट 100,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था इस आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में, और 36 महीने अगर 3 साल के करीब का, जो हालांकि ये 2017 में लिस्टिंग हुई है सितंबर 1 को, तो उसके पहले के नहीं बता पाएंगे, तो फिर भी हम मान के चलते हैं कि इन्होंने 3 साल या मतलब 1.5 साल जो भी है, यहाँ पे 57 का नेगेटिव रिटर्न है। अगर आपने 100,000 लगाए थे तो आपका 42,736 रुपीज़ बन गए हैं, मतलब कि कम हो गए हैं, ये आपके 100,000 में से इतने ही बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके 2019 के वो भी देखते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 9.86% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.81%, सेल्स ग्रोथ है 71.37% की, सेल्स ग्रोथ अच्छी दिख रही है 3 ईयर्स के हिसाब से, फेस वैल्यू है 10 की अभी भी। और ये चार्ट अगर हम 3 साल पे खोलते हैं, देखिए यहाँ पे 240 का जो हाई था, यहाँ पे शायद लिस्टिंग हुई थी सितंबर 1 को 2017 से, लगातार धीरे धीरे डाउन गया है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही टूट गया है, और इसने 77 रुपये का लो बनाया था 79 के आसपास, और आज 101 रुपये पे भाव ट्रेड कर रहा है। आज है रविवार, संडे मार्केट बंद है, और जो इसका फ्राइडे को लास्ट 3 मई को लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था 101 रुपये, करंट प्राइस 101 रुपये, बाकी हम देख ही चुके हैं। क्वार्टर के रिजल्ट्स पे हम लोग चलते हैं, हाँ यहाँ पे आ गए हैं। देखिए मार्च 19 में जो नेट सेल्स आई है 4,730 करोड़ की, वहीं दिसंबर के क्वार्टर में थी 3,780 करोड़ की, जो कि अपसाइड है। लेकिन वहीं मार्च 18 में ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो 3,578 करोड़ की नेट सेल्स थी, तो ईयर ऑन ईयर में भी अपसाइड है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर हम देखें तो 31% की अपसाइड है, और जबकि दिसंबर 18 में 37% की थी, तो यहाँ पे डाउन साइड है थोड़ी सी, जबकि मार्च 18 के मुकाबले मार्च 19 में ईयर ऑन ईयर में अपसाइड है।
वहीं हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो जहां मार्च 19 में 258 करोड़ की आई है नेट प्रॉफिट, वहीं दिसंबर 18 में 214 करोड़ की थी, और वहीं ईयर ऑन ईयर में वो 169 करोड़ की थी, 169 करोड़ मार्च 18 में। तो ईयर ऑन ईयर भी अपसाइड है। और देखिए इनके पास अभी जो रिज़र्व है 7311 करोड़ के मार्च 19 में अवेलेबल है। तो क्वार्टर के रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। उस हिसाब से अगर हम देख लें तो अभी फेयर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अभी 101 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और अगर और नीचे के लेवल पे किसी कारणवश मिलता है तो ज़रूर इस पे बाइंग बन सकती है। लंबे समय के निवेशक इसमें ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो है इंश्योरेंस और NBFC की जितनी भी फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनके मुकाबले अभी थोड़ा सा इसका ROE और ROC थोड़ा कम है। जैसे कि कंपनीज पीयर कंपनी से देखिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग अभी वेरी अट्रैक्टिव पे ट्रेड कर रहा है, और पी भी इसका कम ही है, 11.43 का है, जबकि आदित्य बिरला का 27.09 का है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो ज़रूर बाइंग करें एक लंबे समय के लिए। जो लंबे निवेशक हैं उन्हीं के लिए अच्छा है, या फिर और आगे देखते हैं अगर कंपनी कुछ बढ़िया प्रदर्शन करती है तो ज़रूर उस समय भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो रिटर्न अभी इसके काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, 3 साल के हों या 1.5 साल के हों, क्योंकि 2017 में लिस्ट हुई है, या फिर 6 महीने के हों, तो अभी किसी भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं मिले हैं आगे आने वाले भविष्य में। क्योंकि 1 साल से देखा जाए तो MBFC कंपनीज पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी, चाहे DHFL रहा हो, चाहे कोई भी कंपनी रही हो, MBFCs के काफ़ी उन पर दबाव रहा है। तो उम्मीद है कि जो रैली आने वाली है, ऐसा जैसा मार्केट में लोग कह रहे हैं कि एक एस्टेब्लिश सरकार अगर मिल जाएगी 23 मई के बाद, तो उसके बाद कुछ सिनेरियो चेंज होगा, क्योंकि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यही सब सारे बिजनेसेस से जुड़े हैं, सारे सेक्टर से जुड़े हैं, सारी इंडस्ट्रीज से जुड़ी रहती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ।